देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे, आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज बात करेंगे आदि अनंत भगवान शिव की चमत्कारी पूजा की। कहते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है और जिस पर महादेव की कृपा हो जाए उसके जीवन से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। तो आज आपको बताएंगे शिव पूजा में किस तरीके से आप दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हमेशा की तरह गुड लक मंत्र की। पंडित जी, बात करते हैं आज के गुड लक मंत्र की। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा कभी मत करिएगा। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती, शिवलिंग की हमेशा अर्ध परिक्रमा की जाती है। जो शिवलिंग के आगे की वेदी होती है उसको क्रॉस नहीं किया जाता है। इस अर्ध परिक्रमा को ही शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा माना जाता है। तो ये था आज का गुड लक मंत्र जो पंडित जी ने बताया कि कभी भी शिव की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, लांघना नहीं चाहिए। फिलहाल रुक कर लेते हैं 4 अक्टूबर के पंचांग का। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 4 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात के 9:05 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर जरा सी मिश्री खाकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इस पंचांग के हिसाब से आप भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं तो आपका दिन भी अच्छा बीतेगा कुछ सावधानियों के साथ। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गुड लक टुडे में हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं महा उपाय। तो ऐसा ही एक महा उपाय आज भी आपका इंतजार कर रहा है, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम देते हैं। तो अपने सवाल आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बढ़ते हैं आगे आज के विषय की तरफ। शिव जी की हम बात कर रहे हैं तो शिव जी की कृपा कैसे पाई जाए और शिव जी की कृपा से दरिद्रता कैसे दूर की जाए, आइए जानते हैं पंडित जी से। ये जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। देखिए, अगर हम इसको गंभीरता से समझें तो भगवान शिव को सृष्टि का नियंत्रक माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि उनकी कृपा से जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भाग्य के लिखे को बदलने की क्षमता केवल शिवजी के पास ही मौजूद है। कहते हैं ना, भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव की कृपा से आप अपने भवितव्यता को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आपको धन या धन से जुड़ी हुई समस्या है तो सोमवार को भगवान शिव की पूजा से आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं। यहां तक कि आपको सरल पूजा विधि हम आपको बताएंगे जिसको करने से आप दरिद्रता को भी समाप्त कर सकते हैं। और अगर आप सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करें तो धन की बाधा भी दूर होगी और दरिद्रता भी समाप्त होगी। तो एक सरल पूजा से किस तरीके से आप दरिद्रता को समाप्त कर सकते हैं और धन का लाभ पा सकते हैं, ये आपको बताया। ऐसी ही कई रोचक बातें और उपाय आपको आगे भी बताएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं अब राशियों की और शुरुआत करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल के साथ। बात करते हैं मेष राशि की। धन लाभ के सुंदर योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। धन की बेहतर प्राप्ति इस समय आपको हो सकती है। आपके संतान पक्ष की उन्नति भी दिख रही है और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग है आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है।
स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और महत्वपूर्ण काम टालने से बचें, वरना बने बनाए काम इस समय बिगड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपका दिन अच्छा हो, तो भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में और मन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। इस समय अचानक किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये था राशियों का हाल, शुरुआती 3 राशियों का हाल। आगे भी आपको राशियों के बारे में बताएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं शिव जी की, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से आपकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं, खासतौर से आर्थिक मुश्किलें अगर आपके सामने पेश आ रही हैं। आर्थिक स्थिति को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, मात्र एक उपाय से, पंडित जी से जानते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है कि आप फाइनेंशियली बेहतर हो जाएं, उसके लिए सबसे सरल उपाय क्या है? रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करें और ये जल अपने घर से भरकर मंदिर तक ले जाइएगा। मंदिर का ही जल मंदिर में अर्पित मत करिएगा। इसके बाद नमः शिवाय का जप करें। रोज शाम को भगवान शिव की आरती भी करनी है। सुबह जल चढ़ाना है, नमः शिवाय का जप करना है 108 बार और संध्या काल में भगवान शिव की आरती करनी है। तामसिक आहार यानी मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा अगर आप रोज करें, डेली रूटीन में करें, तो सामान्यतः धन की स्थिति आपकी मजबूत बनी रहेगी। तो गुड लक टुडे में आज हम बात कर रहे हैं कि शिवजी की पूजा अर्चना करके आप उनकी विशेष कृपा किस तरीके से पा सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर धन की स्थिति में आपके उतार चढ़ाव रहता हो तो उपाय हमारे पास उसके लिए भी है। आइए जानते हैं ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय पंडित जी बता रहे हैं। कभी तो आपके पास पैसे बहुत रहते हों और कभी पैसे बिल्कुल नहीं रहते हों, धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता हो, क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हर सोमवार को भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। कम से कम 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। अगर स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो नमः शिवाय का 108 बार जप करें। प्रसाद का वितरण करें और याद रखें कि धन के उतार चढ़ाव से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर एक बेल पत्र का पौधा लगाएं। ऐसा करने से आप धन के किसी भी उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहेंगे, धन के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। तो आर्थिक तंगी को भी आप शिव पूजा से दूर कर सकते हैं। गुड लक टुडे में ही आपको इस तरीके के उपाय मिलते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर ट्यून इन करना है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली राशियों की तरफ और शुरुआत करेंगे इस बार कर्क राशि राशि के साथ। बात करते हैं कर्क राशि की। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन गए हैं और इस समय आपके महत्वपूर्ण काम भी बनेंगे, बन जाएंगे। करियर में इस समय आपके कुछ बदलाव होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। आपके परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, बहुत सारे काम इस समय आपको करने हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दबाजी करेंगे। जल्दबाजी से बचिए, आपका स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है और बेहतर होगा कि आपका गुड लक बढ़े, आपका दिन बेहतर हो, इसके लिए भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी सामान्य भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल आपने जाना, लेकिन धन की स्थिति अगर आपके खराब है तो उसके लिए एक उपाय पंडित जी ने आपको यहाँ पर बताया था। धन की स्थिति अगर काफी खराब हो, दरिद्रता आ गई हो, तो क्या करें, ये जानते हैं पंडित जी से। पैसे की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक एक पैसे को मोहताज हो गए हैं, दरिद्रता आ गई है, पैसे की मुश्किल बहुत ज्यादा है, क्या उपाय करेंगे? इसके लिए एक तो नियम पूर्वक उपाय करिएगा, तभी दरिद्रता दूर होगी। रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, जल घर से भर के ले जाइएगा, अगर संभव हो तो सफेद चंदन भी शिवलिंग पर लगाइएगा। इसके बाद दारिद्र दहन स्तोत्र, स्क्रीन पर नाम देखिए, दारिद्र दहन स्तोत्र, इसका पाठ करिए, अगर मंदिर में ही कर लें तो बहुत अच्छा होगा। ये आपको रोज सुबह करना है और रोज रात में भगवान शिव के सामने घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाएं, इसके बाद पुनः दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें, एक बार सुबह मंदिर में और एक बार शाम को घर पे। तांबे का छल्ला या तांबे का कड़ा धारण कर लें, दाहिनी कलाई में कड़ा पहन लें या दाहिने हाथ की किसी भी उंगली में तांबे का छल्ला पहन लें। ये प्रयोग आप लंबे समय तक करते जाइएगा, कम से कम 6 महीने साल भर तक करते जाइएगा, आपकी जो दरिद्रता है, जो पैसे की कठिनतम स्थिति है, उस स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर धन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, दरिद्रता घर में आ चुकी है, तो ये कुछ खास उपाय उन लोगों के लिए हैं। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपकी भी कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अगर कर्ज की परेशानी हो तो क्या कुछ करना चाहिए। धन प्राप्ति और धन की उन्नति में एक बड़ी चीज भी शामिल होती है, वो है कर्जा। अगर आप कर्जे से परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, तो बहुत बार धन की प्राप्ति भी आपको लाभ नहीं पहुंचा पाती है। क्या करना चाहिए अगर आप कर्जे से परेशान हैं? रोज सवेरे शिव जी के मंदिर जाइए, एक लाल फूल गुलाब का हो या गुड़हल का हो शिवलिंग पर अर्पित करिए, इसके बाद नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। फिर आपको शिवलिंग की परिक्रमा करनी है। शुरुआत में ही आपको बताया था कि शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, हमेशा अर्ध परिक्रमा होती है, तो एक बार शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करिए और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करिए। ये उपाय आप रोज कर सकते हैं, नहीं तो सप्ताह में एक दिन, खासतौर से मंगलवार के दिन अगर ये उपाय किया जाए तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। और आइए अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, जानते हैं अगली 3 राशियों के लिए क्या है उनका दैनिक राशिफल। पंडित जी, बात करते हैं तुला राशि की। स्वास्थ्य की स्थितियों में आपके सुधार होता दिख रहा है, सेहत आपकी बेहतर होती चली जाएगी। काम का थोड़ा सा बोझ भी आपको परेशान कर रहा है, ये बढ़ेगा, हालांकि जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। धन की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। शुभ रंग है आपका हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के बढ़िया योग दिखाई दे रहे हैं, अच्छे पैसे मिलेंगे आपको, ऐसा लग रहा है कि करियर में इस समय कोई बड़ा बदलाव भी आपके होगा और इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, काम बहुत है और कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता
बढ़ेगी। इस समय किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना भी आपके लिए दिख रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी तीन राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। देखते हैं आज का सवाल किसने भेजा है और उनके लिए क्या उपाय पंडित जी के पास है। किरण जी ने हमें प्रश्न लिखा है और किरण जी हमें प्रश्न लिखती हैं चंडीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1976। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। किरण जी पूछ रही हैं कि क्या विदेश में सेटल हो सकती हैं, विदेश में सेटल होने की संभावना है या नहीं है, और वैवाहिक जीवन में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रहती हैं, छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है, क्लेश होता है, तो इसको दूर करने के लिए क्या करें। किरण जी, आपकी कुंडली में 2022 के अगस्त के बाद विदेश जाने की संभावना बनती है और 2-4 साल वहां रहने की संभावना भी है, लेकिन विदेश में सेटल होना इस कुंडली के हिसाब से मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर भी एग्रेशन ज्यादा है, टेम्परामेंट गड़बड़ है और वाणी की समस्या भी दिख रही है। तो केवल एक ही व्यक्ति की गलती नहीं है, थोड़ा सा स्वभाव में धैर्य और सॉफ्टनेस लाइए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप 2 उपाय करिए। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा और सप्ताह में एक दिन, खासतौर से शनिवार की शाम को, अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आगे आपके लिए महा उपाय भी है, लेकिन उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल भी जान लेते हैं पंडित जी। बिल्कुल, मकर राशि वालों को स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है, सेहत में लापरवाही ना करें, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, थोड़ा परेशान भी कर सकती हैं। आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े तो भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा, भाग्य कम होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति बहुत अच्छी, करियर की समस्याएं हल हो रही हैं, आपके परिवार में खुशहाली भी दिखाई दे रही है और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है। शुभ रंग है आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, बेवजह की चिंता और तनाव दिखाई दे रहा है, व्यर्थ के तनाव से बचें। इस समय चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, लेकिन इन सब के बीच में राहत की बात यह है कि धन की स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत उतनी सफलता मिल सकेगी। और आइए बात कर लेते हैं उनकी, जिनका जन्मदिन है 4 अक्टूबर को, उनके लिए आने वाला साल किस तरीके से रहने वाला है पंडित जी। बिल्कुल, जिन लोगों का जन्मदिन 4 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। इस साल आपको चोट चपेट से बचना है, हड्डियों की समस्या का ध्यान रखना है। साल के अंत में आपको आकस्मिक संपत्ति का फायदा भी हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए वर्ष और भी शुभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है महाउपाय का, देखते हैं आज का महाउपाय किस विषय पर है और किस तरीके से आपको फायदा पहुंचा सकता है पंडित जी। बात करते हैं महाउपाय की।
आपको बेवजह तनाव पालने की आदत है, आपको बेवजह मानसिक चिंता रहती है, क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान शिव को जल अर्पित करिए। घर में शिवलिंग है तो घर में या मंदिर में जाकर के शिव जी को जल अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, ये बहुत जरूरी है। और महीने की हर पूर्णिमा पर उपवास रखें। इस उपवास में आप केवल जल ग्रहण करेंगे, केवल लिक्विड लेंगे, सॉलिड नहीं लेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये था आज का महा उपाय। इसी तरह हर रोज हम आपके लिए ढेरों उपाय लेकर आते हैं। आपको जुड़ना है हमारे साथ गुड न्यूज टुडे पर। फिलहाल के लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।